बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज हम जाने वाले एक सीक्रेट प्लेस पे, चलते हैं। और मेरे चेहरे की एक्साइटमेंट आपको दिख ही रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत सालों बाद ऐसा लग रहा है निकल रही हूँ घर से बाहर, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से निकल नहीं रही थी बाहर। लेट्स गो, चलते हैं, बहुत मज़े आने वाले हैं आज। और संडे है तो मैंने सोचा क्यों बर्बाद जाने दूँ, है ना। लेट्स गो। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और ये है किशनबाग, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। और इसको जयपुर के दोहरे के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्वर्ण जयंती पार्क इसका रियल नेम है। और इस बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, यहाँ पे सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये है जयपुर में विद्याधर नगर में, तो अंदर चलते हैं अभी, चलो। इधर से चलेंगे, ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे पार्किंग का है, और ये राइट साइड में काउंटर है। इधर 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 इधर। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो तो यहाँ से भी जा सकते हो टिकट काउंटर की तरफ। बाइक पार्किंग है और उधर कार पार्किंग है, ये आप देख सकते हो। देख लो, हम तो वैसे बाइक से आए थे। पैसे नहीं है इसके पास। जब भी आए यहाँ पे कैश लेके आए, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे हम भी पछताए, यहाँ पे आके जुगाड़ नहीं हो पाया, लेकिन कैसे ना कैसे करके फिर जुगाड़ कर ही लिया पैसे का। आपको कर देता हूँ, आपके पास कैश तो रखना पड़ेगा, इससे कैश तो देना पड़ेगा। आपके पास है नहीं क्या भाई? बोल रहे हैं आप ही रख सकते हो, वही तो दिक्कत है, भूल गए पैसे लिखे। आज पर पूछ लो, चालू है। ये 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 20 रुपीज़ और 50 रुपीज़, बाकी सब 25। और ये बता दूं कि 20 रुपीज़ यहाँ पे एंट्री फीस है, और 30 रुपीज़ जो है वो गाइड है। गाइड लेना ज़रूरी है, कंपलसरी है, चाहे आप ले लो और ना लो, लेकिन इम्पोर्टेंट है। चलो, तो ये है वुडन के, ठीक है, वुडन का बना हुआ है, सब आर्टिफिशियल है यहाँ पे। और ये है कोटा मार्बल, जो एकदम सेट करके रखा है सब, और ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से किया गया है, देख सकते हो आप। यहाँ पे पूरा नेचर के बारे में आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ज़्यादा आपको प्लांट्स के बारे में देखने को मिलेगा, और जो आप नेचर लवर है वो आ सकते हैं यहाँ पे। और पीसफुली ये एरिया है, तो आगे आपको दिखाते हैं। ये मेरा पहला शूट है एक्शन कैमरा के साथ, कितनी मस्त क्वालिटी आ रही देखो। यहाँ पर इस तरह से शेड्स बने हुए हैं, देख सकते हो किस तरह से मस्त डिज़ाइन किया गया है इसको, एकदम मस्त लगता है देख के ही। तो आगे चलते हैं, आपको और दिखाते ये आपको यहाँ पे कैसे कैसे पेड़ उगते हैं वगैरह सब बताया गया है। यहाँ पे जो बॉटनी के स्टूडेंट है वो आ सकते हैं, और जो नेचर लवर है वो। रेस्ट रूम्स दिए हुए हैं यहाँ पे, मतलब वॉशरूम्स वगैरह हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं अंदर चल के वॉशरूम के हालात। ये बॉयज़ के लिए हैं, ये गर्ल्स के लिए हैं। सो चलते हैं अंदर, गर्ल्स में जा सकते हैं, बॉयज़ वाले में तो नहीं जा सकते। ये देखो वॉशरूम एकदम क्लीन है, और ये हूँ मैं, जो कि आप अंदर आ चुकी हूँ वॉशरूम के। और बहुत स्टाइलिश तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, और पूरा वुडन का है, एकदम फील बहुत अच्छी आती है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सच में क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल रखा गया है यहाँ पे। सो ये बाहर आ जाते हैं हम। और जो घूमना चाहते हैं वो आ सकते हैं।
यहाँ के आपको हर प्लांट्स के बारे में पता चल जाएगा, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, सब कुछ बोर्ड्स वगैरह लगा रखे हैं, और यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, कैसे उगते हैं और किस तरह से सर्वाइव करते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो इंटरेस्टेड है यहाँ आ सकते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है, बहुत हैपनिंग प्लेस है, और व्यू के तो क्या ही कहने, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, यहाँ पे पीसफुल एरिया है सच में, बहुत आपको आना चाहिए यार, सुकून की ज़िंदगी यहाँ मिलती है आके। तो ठीक है, ये दीदी ने ये पौधे थे ना, एक मिनट दिखा दो, ये देखो ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये दीदी ने हमें दे दिए थे पौधे, जो भी थे पेड़ पे, और ये इनके फोटो शूट्स ही नहीं ख़त्म होते यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पूरा गांव का माहौल मिलेगा, पूरे टीले मिलेंगे रेत के, और पूरा नेचर से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं, जो लोग गांव में नहीं जा पाते या फिर गांव कभी रहे नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे सिटी में ये जगह बना ली गई है। और ये 18 दिसंबर को इसकी ओपनिंग हुई थी। और यहाँ पे आप फोटोशूट, प्री वेड शूट भी करा सकते हैं, ये प्लेस बहुत अच्छी है। यहाँ पे आके क्या दिखाना चाह रहे हो आप? गीला नहीं होता कमल का पुष्प, ये पत्ता है कमल का। हाँ, गीला नहीं, दोबारा सही से दिखाओ, ये देखो पानी में डुबा दिया, पानी में कलर दे इसकी, थोड़ी थोड़ी बोलो ना, बूंदे लो देख कलर दे कितना, लाइक सिल्वर, लाइक सिल्वर ग्रीन। और देखो इसमें गीला नहीं होता, ये देखो गीला, हाथ गीला बिल्कुल नहीं है, देखो सॉफ्ट है, बहुत तगड़ी चीज है। लोटस लीव्स नेवर गेट वेट, ये सब लिखा हुआ है, देखो अगर नहीं पता तो देख लो, बहुत प्यारी सी व्यू आते हैं यार, इतने अच्छे अच्छे व्यूज। पूरा नेचर का पूरा आपको लुक मिल जाएगा यहाँ पे, काटे वाटे हैं, आर्टिफिशियली पूरा डिजाइन किया गया है। इस जगह का ये लास्ट पॉइंट है, और इसके आगे भी घूम सकते हैं, बट हम गए नहीं, हम थक गए थे इसलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।